प्रदेश की बात अब फिर से आते हैं हमीरपुर जिला की ओर। जिला में भी हर जगह स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की धूम देखने को मिली। हमीरपुर में स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाए गए। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में सलासी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के सदस्यों ने भी भाग लिया। इस मौके पर झंडा फहराने की रस्म अदा करने के साथ साथ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रुक करेंगे अब डीएवी की ओर। वहीं हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के साईं विजन स्कूल में भी कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। देखते हैं उस स्कूल की कुछ झलकियां। Thank you.
ये देश और हम इस देश के वासी आज इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मना रहे हैं अपने शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। स्वतंत्रता दिवस के एक अवसर पर पंडित नेहरू जी ने कहा था कि जब भारत ब्रिटिश रूल से जीवन और जिंदगी की आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहा था तो ये पूरी दुनिया सो रही। तो आज आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं इस विद्यालय के 9 दस्तों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को दी जाने वाली सलामी को। तो एक एक करके हमारे विद्यालय की ये 9 दस्ते राष्ट्रीय ध्वज को सलामी लेंगे। ये 9 दस्ते विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहला दस्ता जो सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आएगा वो है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अमल में बच्चों का। ये इन बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन करके दिखाया है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर उपमंडल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम शिल्पा बेगटी ने स्कूल परिसर में पहुंचकर झंडा रस्म अदा की और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देखते हैं हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। श्रीमती शिल्पा बेगटा जी को मैं रिक्वेस्ट, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जाता है। से लेके 1947 के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट तक ये बहुत रुचिपूर्ण कहानी है। ये ऐसा इतिहास है जो कुछ पलों में मैं बयान नहीं कर सकती, इसमें कई दिन लग जाएंगे। लेकिन 1857 से लेके 1947 तक जो भारत बना वह भारत एक सोच थी, जहां पहले लोग अपने ही छोटे छोटे राज्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं सब लोग एकत्रित हुए दिवस पर्व पर। यहाँ एकत्रित हुए विभिन्न विभागों से अधिकारी व कर्मचारी, यहाँ पे विराजमान नगर परिषद के अध्यक्ष, प्रेस व मीडिया के बहुत हमारे पुलिस ऑफिसर्स और अखिल विश्व में अतुलनीय भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक वीरों व वीरांगनाओं को, जिनके त्याग, जिनके परिश्रम, जिनके संघर्ष ने हमें आजादी दिलाई। धन्यवाद देते हैं हम
अपने सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का, सशस्त्र सीमा बलों का व पुलिस का, जो अखंड भारत को बनाए रखने में दिन और रात मेहनत करते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि हमारे शहीद हुए जवानों को, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी, आजादी क्या है, क्या चीज है ये आजादी? 1857 वहीं हमीरपुर के कोर्ट परिसर में भी आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की धूम देखने को मिली। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तिरंगा फहराया गया और लोगों को अपना संदेश भी दिया। तो ये थी आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमीरपुर में एच टुडे चैनल के द्वारा विभिन्न स्थानों की झलकियां जो आपको विशेष रूप से दिखाई गई। इसके अलावा प्रदेश की कुछ झलकियां दिखाई गई। वहीं आप सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस समारोह की जहां ढेरों बधाइयां, वहीं सभी बहनों और माताओं को, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम कामना करते हैं कि ये त्यौहार आपके जीवन में उमंग लेकर आए।